इसके दो पक्ष हैं पर्सनल ब्रांडिंग के। एक तो ये कि कई बार बहुत अयोग्य लोग भी योग्य नजर आते हैं, वो अपनी ब्रांडिंग इस तरह से करते हैं कि लोग गफलत में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। वो अपना प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया करते हैं कि आपको लगता है कि तो बहुत, तो एम्प्लॉयर्स भी कई बार बहुत धोखे में आके उनको रख लेते हैं। अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि आप अपनी योग्यता को जो आपके अंदर है उसको लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप ज्यादातर समय अंतर्मुखी रहते हैं, और ये दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ है। एक बात यही कहना चाहता हूं कि हम लोग, ये कोई नई बात नहीं है, आप कि ये जो किताब में कहना चाह रहे हैं उसका एक बहुत संक्षेप जो बैठे बैठे पंक्तियां मुझे ध्यान आई वो ये है कि फूल को दरअसल अपनी खुशबू बिखेरनी भी है और बतानी भी है। फूल को अपनी खुशबू दरअसल बिखेरनी भी है और बतानी भी है। वैसे तो ये थोड़ी लेकिन पुरानी भी है। तो बात यह है कि फूल है, खूबसूरत है और खुशबू बिखेर रहा है, लेकिन जमाना वो आ गया है कि उसको बताना भी है कि भाई मैं बहुत खूबसूरत फूल हूं और मेरी खुशबू सूंघकर तो देखो यार कितनी शानदार है, नहीं तो कोई नकली फूल जो गुलदस्ते में लगा हुआ है वो आपसे ज्यादा माइलेज और फुटेज लेके चला जाएगा और आप अपनी तमाम खूबसूरती के साथ भी वहीं रोते रह जाएंगे अपनी बगिया में। बात अच्छी है, कोई इससे सहमत भी हो सकता है, कोई असहमत भी हो सकता है, कोई कह सकता है कि फूल की तासीर है खिलना और खुशबू देना, और जिसको सूंघनी है वो सूंघ ले और जिसको नहीं सूंघनी है ये उसका दुर्भाग्य है। आज का जो जमाना है जिसमें आप बहुत कुछ एक साथ करते हैं और आपको ये लगता है कि उसका परिचय वैसा नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए, तो आप देखिए कि दरअसल हम अगर पत्रकार हैं भी और नहीं भी तो एक इंसान के रूप में दरअसल हम अपनी लगातार खुद की छवि गढ़ते रहते हैं और वो छवि हम दूसरों के मन में स्थापित करते रहते हैं और वही छवि कभी कभी बनती और बिगड़ती रहती है, और ये सारा खेल ही छवियों का है। सोशल मीडिया ने उन सारी छवियों को एक रिफ्लेक्शन पॉइंट, एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो छवियां हम मन में गढ़ते आए हैं खुद को लेकर और दूसरों को लेकर उनको प्रतिबिंबित करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया के रूप में, और इसीलिए हम लोग इतने मुखर भी हैं, लगातार कुछ बोलते लिखते हैं। वो दरअसल हमारा लगातार का बोलना और लिखना हमारी छवि को निरंतर बनाता और बिगाड़ता रहता है। हमारा डेस्टिनेशन बॉन्डिंग है, ब्रांडिंग नहीं है। हम अपने आप को लोगों से जोड़े, साथियों से जोड़े, आप शिक्षक है तो विद्यार्थियों से जोड़े, और पत्रकार है तो पाठकों से जोड़े, आप भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जनता से जोड़े। इस थोड़ा एकेडमिक टाइप विषय लगा हमारे लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा।